जमशेदपुर से हैं, वो लोग जान ही रहे हैं कि जमशेदपुर में 2 दिन से कंटिन्यू बहुत तेज़ बारिश हो रही है दिन रात वाला। तो अभी मेरे हस्बैंड काम से आए हैं बेचारे, ये देख सकते हैं उनका ये दिन भर का बेचारे का कमाई, और पूरा पानी में भीग गया है। तो यहाँ आयरन कर रहे हैं हम हीट, और सबको आयरन करके ऐसा को गर्म करेंगे, मतलब कि सेकेंगे। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं। अरे उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ऐसा चलेगा नहीं ना। हाँ जी, तो कर दिए फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड के पैसा को आयरन, क्योंकि पूरा भीग चुका था। और फ्रेंड्स अभी रात का 9:30 हो रहा, पक्का फ्रेंड्स 12 घंटा कंटिन्यू हम ड्यूटी दिए अपने दुकान पे। सुबह 8:30 बजे दुकान खोले थे, और रात के मतलब 9:15 बजे हम घर में घुसे हैं। ठीक है, वैसे 1-2 बार बीच में आए थे मतलब फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने, वैसे घर में अभी घुसे। मेरा सुबह से घर में मतलब कुछ काम नहीं हुआ था, झाड़ू वगैरह भी दिए हैं, और सोच रहे हैं थोड़ा देर मतलब लेट लें क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 2000 years later। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को 12 रबीउल की मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा धो के, देखिए बाबू भी हमारा रेडी हो गया, उसके बाद चले हम लोग जुलूस में। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, बारिश रुकने का नाम नहीं। हाँ, इस कंटिन्यू बारिश देख सकते हो। उसके बाद नूर की आमद है, ये भी अल्लाह पाक की रहमत है। तो कोई नहीं, रसूल अल्लाह के लिए निकल रहे हैं, अल्लाह पाक सबका सफ़र आसान बनाए, और अच्छे से जाइएगा। आज आपने दिखा दिया अपने इश्क़े रसूल के चेहरे को, दिखा दिया। और इसी की तर्जुमानी करते हुए मेरे इमाम फरमाते हैं, इश्क़ है जाने मुस्तफा, इश्क़ है जाने मुस्तफा। जिसको होता ना मजा ना ले दवा उठाए को, जिसको होता का मजा ना ले दवा उठाए को। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नजराना ब्लॉगिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हम लोग भी ठीक है। और आप सभी लोगों को 12 रबी अव्वल मुबारक। और सॉरी थोड़ा सा वो हो गया क्योंकि अभी उनको बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ताकत नहीं मिल रहा खड़ा होने का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत थोड़ा सा वो हो रहा है, और घर में कोई है भी नहीं। हमको डर भी लग रहा है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। और मेरे हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं तो वो मतलब जुलूस में है, तो वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए हम रात में मेहंदी लगाए थे, कैसा लग रहा बताइएगा। ये वही चाइना वाला मेहंदी है, कितना प्यारा सा कलर आया। और अभी हम जा रहे थे लेटने के लिए आराम करने, लेकिन सोचे कि आप लोगों से तो सलाम दुआ कर ले, क्योंकि सुबह से आप लोगों से हम इंट्रो नहीं लिए थे, आप लोगों से नहीं मिले थे इसलिए। और क्या बोलना था, और कुछ नहीं, अभी तो जा रहे रेस्ट करने के लिए। अच्छा पहले हम खाना क्या बनाए वो आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे हम। तो फ्रेंड आज खाना बना है मुरादाबादी चिकन बिरयानी है ना, ये देखिए। और साथ में बनाए फ्रेंड्स टमाटर लहसुन और लाल मिर्ची का चटनी, जो कि मुरादाबादी बिरयानी के साथ में बहुत ही इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप लोग खाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा इसका टेस्ट, अगर नहीं खाए हैं, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, फिर इंशाल्लाह इसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही कम मसाला के नाम है, मतलब कुछ भी नहीं लगता है इस पर, ठीक है, एकदम सिंपल सा बनता है और बहुत टेस्टी ये खाना होता है। एंड इसका चटनी बहुत मस्त है, इसका जो टमाटर लहसुन और मिर्चा का कॉम्बिनेशन है ना इस चटनी में, वो और 4 चांद लगा देता है मुँह में, बहुत अच्छा मतलब उसका टेस्ट देता है। और अगर आप लोग खाएं बिरयानी तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, नहीं ट्राई किए तो वो भी बताइएगा, और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह इसका फिर नेक्स्ट टाइम हम जब कभी बनाएंगे तो आपको रेसिपी भी इसका बता देंगे। तब चलते थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं मेरे हस्बैंड लोग कब आते हैं। और फिर बारिश तो 3 दिन आज हो गया है, आज ये मतलब 4th दिन है कंटिन्यू, मतलब 4 दिन से बारिश हो रही है, एक मिनट मतलब सेकंड के लिए भी बारिश रुक नहीं रहा है। भले ही थोड़ा स्लो हो रहा है, फिर तेज़ हो रहा है, फिर स्लो हो रहा है, तेज़ हो रहा है, बट रुक नहीं रहा है। लेकिन देखो मतलब बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं,
आशिकाने रसूल, मतलब जो रसूल अल्लाह के जो आशिक लोग हैं, जो उनको चाहने वाले, जो उनको दिल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो लोग इसी बारिश में गए हैं जुलूस में। माशाल्लाह अल्लाह पाक सबको मतलब ये दिन नसीब दे और अल्लाह पाक हर किसी को अपने रसूल अल्लाह की सुन्नत पे चलने वाला बनाए। सबसे बड़ा तो उनका मतलब जो भाई हम लोग तो गुनहगार है, पता नहीं हम लोग अल्लाह पाक कोई भी नेकी कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक हम लोगों को 5 वक्त ही नमाजी बना दे अपने रसूल अल्लाह के सदक़े में, क्योंकि देखो सबसे बड़ा चीज़ नमाज है। अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा है तो फिर रसूल अल्लाह का जुलूस बना के कुछ बना के रसूल अल्लाह उनसे खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह आखिरी वक्त तक अपनी उम्मती के लिए ही वो कर रहे थे, मतलब अपनी उम्मती के लिए सोचते उनका ये हुआ था, ठीक है। और मतलब वो अपने वो उनके लिए नमाज ही नहीं हम लोग पढ़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उनके लिए इतना हम लोग को प्यार और मोहब्बत दिखा करके, क्योंकि नमाज हमारे रसूल अल्लाह की आँख की ठंडक है और तो नमाज़ पढ़ना तो हम लोग का बनता है। लेकिन देखो हम हो या कोई भी हो, बहुत ही कम ऐसे लोग जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वरना लोग तो साल में बस रमज़ान में पढ़ते हैं बस ख़त्म। लेकिन हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम लोग को सच्चा पक्का नमाजी बना दे, 5 वक्त की नमाजी, क्योंकि आखिरत में कुछ नहीं काम देने वाला, नमाज काम देने वाला है। ये बात हर इंसान जानता है कि नमाज के सिवा कुछ हम लोग को कब्र में नहीं बचा सकता है। अगर कोई इंसान देखो कुरान पढ़ने वाला, वो दिन रात कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है और वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा, तो फिर भी उसका कोई ये नहीं है, क्योंकि नमाज भी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोगों को मतलब नमाजी बनाए, अल्लाह पाक हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह पाक हम लोगों को नेक काम करने की, नेक आमाल करने की तौफीक दे, नेक रास्ता चलने की तौफीक दे। बस इसी चीज़ का अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं। तो बस आप लोगों के साथ में आमीन बोलिएगा। अल्लाह पाक पता नहीं किसका दुआ कबूल कर ले, अल्लाह पाक किसका ज़ुबान को सुन ले, कि अल्लाह पाक हम लोगों को नेक राह पे चलने वाली बना दे, ठीक है। तो चलते थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। 2:30 बज गया फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड और बाबू आ गए वहाँ से, मतलब जुलूस में से। तो पूछते उन लोगों से उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस रहा बारिश में भीग करके जिसमें मिलादुन नबी का जुलूस में जा कर, कैसा उन लोगों को लगा। तो पूछते दोनों पापा बेटा से। तो चलिए, क्या लगा, कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। कैसे नारा कैसे लगा रहे थे, कैसे चिल्ला रहे थे? लब्बैक 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 चिल्ला रहे थे हैं, नारे तकबीर बोल रहे थे, कैसे? एक बार फिर से बोलो, नारे तकबीर। और पूछते हैं मेरे हस्बैंड से फ्रेंड्स, वो थोड़ा अभी थके हुए हैं क्योंकि बारिश में भीग करके आए हैं और मेरा तबीयत ठीक नहीं था, उसके टेंशन में भी ये थोड़ा सा ये हो रहा है। तो पूछते हैं इनसे, हाँ जी कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। नहीं क्योंकि बारिश हो रहा था ना कंटिन्यू, तो 4 दिन से बारिश हो रही तो उससे मतलब नहीं है, मेरे आका का विलादत था तो सब जोशो जुलूस में सब जो है गए थे। हाँ एकदम भीगते हुए सब गए और पैदल पैदल पद यात्रा की है, पैदल जो है मार्च किए थे, पैदल मार्च किए और जो है सब पैदल गए भीगते हुए। माशाल्लाह बहुत ज्यादा ही भीड़ था और समझ लीजिए कि भीड़ तो समझ लीजिए कि पहले के मुताबिक कुछ नहीं था। हाँ पहले नॉर्मल डेज में तो ये क्या है ना कि इस बार थोड़ा पानी को लेके बहुत सारा आदमी नहीं आया जुलूस में, नहीं आ पाया बेचारा जुलूस में, लेकिन माशाल्लाह अच्छा रहा, जो अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा रहा, समझे बहुत अच्छा रहा, बहुत लोग आया, हम लोग बहुत मस्ती किए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है 2 बजे लगभग हम यहाँ आ गए, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया फ्रेंड्स। और पानी भीग करके पूरे सर भीगा के कपड़ा भीगा के आए थे, अभी पूरा कपड़ा गंजी उंजी भीगा हुआ है। अगर नहीं जाते हैं तो जाया कीजिए, जाना चाहिए, मेरे आका की विलादत है, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है आज, खुशी का दिन है, बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, कोई त्यौहार इस त्यौहार से बढ़ के है ही नहीं। क्योंकि देखिए अगर ये त्यौहार नहीं होता तो कुछ नहीं होता, अगर रसूल अल्लाह ही पैदा नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, न कलिया ये खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बागे हस्ती का ना होते तो ये सब है मेरे कमली वाले का सबका, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। तो वही है कि देखो हम लोग को अगर आज के टाइम पे जो भी चीज़ नसीब है हम लोग को, या आज हम लोग दुनिया में भी है तो हम लोग को रसूल अल्लाह की उम्मत है, इसलिए है क्या जी, और आखिरत में भी बस
बस आकड़त में उन्हीं का दामन, उन्हीं का दामन पकड़ के, उन्हीं का दामन पकड़ना, आकड़त में भी वही है और दुनिया जो है कुछ लोग सदके में भी उन्हीं के बने, कुछ लोग हैं जो उनको नहीं मानते हैं, बोलते नहीं जुलूस नहीं करना चाहिए। तो देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका। अरे वो लोग, वो लोग बदकिस्मत है, बदकिस्मत है, उसको लोग को बदकिस्मत बोला जाएगा। देखो कितना खुशी का चीज है, जब हम लोग कब्र में आएंगे सबसे पहले मुलाकात करने रसूल अल्लाह आएंगे, बोलते हैं ना कब्र का खौफ न करे दिल, सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। कितना खूबसूरत लाइन है ये तो। और फिर देखो सारे लोग मतलब कयामत दिन नफसी नफसी कर रहे होंगे, लेकिन मैं रसूल अल्लाह ही है जो मेरी उम्मती बोल रहे होंगे, तो क्यों ना उस अल्लाह के रसूल के लिए, उस नबी के लिए हम लोग खुशी मनाएं, जश्न मनाएं, जो हम लोग के लिए सिर्फ सोच रहे हैं। हम लोग नबी मर गए वो नहीं मना रहे, वही ना, हम लोग हमारे नबी जिंदा है, जिंदा है। तो देखिए हम लोग का ये है ना, क्या बोल रहे थे, भूल भी गए थी, बीच में बोलते बोलते हमको बोलने से भूल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह आप लोग भी जाया कीजिए ईद मिलादुन्नबी में, समझे, और जोश व जुलूस के साथ जाया कीजिए, होश व खुलूस के साथ जाया कीजिए। और जो है इस दिन अच्छा अच्छा जो है घर में पकवान बनाइए, खाइए पीजिए, और जैसे ईद मनाते, ईद से ही बड़ा त्यौहार मनाइए, सबसे मिलिए जुलिए, जैसे मिलते हैं ईद में गले वगैरह सब चीज़ की, समझे, ईद से बढ़ के, ईद से भी बढ़ के ये त्यौहार है ईद मिलादुन्नबी। और फ्रेंड्स दिखाते हैं आप लोगों को मौसम, अभी तक कंटिन्यू देखे बारिश हो रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग का खाना निकल चुका है, और अब इसको मेरे हस्बैंड ट्राई करके बताएंगे कैसा है। बिस्मिल्लाह अब वही रिव्यू देंगे। चटनी के साथ ट्राई करें, चटनी इसका फर्स्ट टाइम बनाए हैं। सो लजीज, सो लजीज, चटनी का ट्राई करके बताइए ना कैसा है। आई हेट चटनी, आई हेट इतनी सी डाले छी। सो ब्यूटीफुल, कैसा ब्यूटीफुल, अच्छा सब ब्यूटीफुल खाना, ब्यूटीफुल नहीं खाना, टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह चटनी भी अच्छा बना। अफगानिस्तानी चटनी है ना, चटनी बोल रहे चटनी जो है टमाटर मिर्चा और लहसुन का है। छी तो वाह। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं पर सेंड करते हैं, क्योंकि इसको हमको 4 बजे तक अपलोड भी करना है। तो वीडियो कैसा लगा, हाँ क्या चीज़ डालोगे, हाँ डालेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा, और अगर इसका रेसिपी चाहिए तो बोलिएगा। आप लोग मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर से आप लोगों को 12 रबीउल मुबारक।